अब यहां से एक्चुअली दोनों प्लेयर्स ऑन हो सकते थे। फियर्स वेट पर एडवांटेज है, हील करते हुए आवाज आई सुना और डाउन किया, बट माइटी वो एक छोटा एंगल, वो एक छोटा सा चीकी सा एंगल मिला और उस फाइट को जीता। खिलाड़ी निकाल के जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त उनको लेना नहीं चाहिए, डायरेक्टली स्लैमिन करेंगे तो खास ज्यादा दिक्कत आपको होती दिखी नहीं। तो अब यहां से मेडल के प्लेयर्स के ऊपर दिक्कतें बढ़ेंगी। पैराडॉक्स को डाउन किया जाएगा जॉनथन के द्वारा, वो बुलेट्स वो रीलोड आता है, डाउन किया बीस्ट मूविंग फॉरवर्ड, नियो की पोजीशन बॉडी कॉम्प्रोमाइज है, कुछ प्रेस पड़ेंगे, नियो का भी समापन, एक और टीम यहां से बाहर होती हुई। लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बच के नहीं निकल पाएंगे आप, बिकॉज टीम गॉडलाइक वो आ चुकी थी उस थर्ड पार्टी के लिए। जोनाथन उनका भी खात्मा करें, कोशिश काफी अच्छी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। स्टेज 5 की क्लोजिंग होती दिखी, बहुत जल्द संयम की बात करें, वो अभी भी चुपचाप टीपी एंगल बैठे हैं और लीजिए कुछ प्रेस पैराडॉक्स के ऊपर। जॉनथन स्पॉट किया, गमला भाई वो गिर के नॉकआउट हो गए, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। जॉनी की तरफ से वो नेट चल रही, अब तक वो स्प्रेस चलेंगी जरूर से और यहां पर एचपी काफी कम करी। एक खिलाड़ी तो समाप्त हो चुका है, पैराडॉक्स और एनकोर दो प्लेयर, एक हेड ऑन फाइट होने वाली है, एनकोर बहुत आगे आ चुके, स्पॉट किया, स्प्रे किया, डाउन किया, लेकिन मैक को भी स्प्रेस पड़ रही है और इसका मतलब टीम गॉडलाइक निकलना इतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए भी।